शिवरा जोगेश्वरी प स्थित रायगढ़ मिलिट्री स्कूल CBSE में पने वाले 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिससे यह स्कूल मुंबई शहर में लगातार 10 वर्षों से नंबर एक रहा है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रायगढ़ मिलिट्री स्कूल की 10वीं परिणाम 100% आया है। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ मिलिट्री स्कूल CBSE के अंतर्गत अभ्यासक्रम अत्यंत कुशलता से विद्यार्थियों को पाया जाता है, जिसके चलते यहां उनके अंक हमेशा अधिक आते हैं। 100% परिणाम आने के पीछे रायगढ़ मिलिट्री स्कूल के शिक्षकों की कड़ी मेहनत स्पष्ट दिखाई देती है। इस सफलता के पीछे रायगढ़ मिलिट्री स्कूल ओशिवरा मैनेजिंग ट्रस्टी राजीव घरत, सचिव अजय पाटनकर और प्रिंसिपल आरती झा, रचना घरत पिटिये, पालकवर का अहम योगदान रहा है। चलो बच्चे लोग ताली बजाओ, अंदर आ जाओ थोड़ा। आरती मैम, हाँ चलो चलो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, कुछ भी करो। रायगढ़ मिलिट्री स्कूल की जो शुरुआत की है वो हमारे प्रभाकर कुंटे, एक्स मिनिस्टर, फ्रीडम फाइटर, नाना साहेब पुरोहित, एक्स फ्रीडम फाइटर, और वर्षाताई प्रभाकर कुंटे, मिसेस ऑफ प्रभाकर कुंटे, उनकी मेज से ये स्कूल खड़ा हो गया है। आज हमारी जिम्मेदारी हमारे जनरल सेक्रेटरी अजय पाटनकर, हमारी प्रिंसिपल आरती झा और एक टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके वजह से आज का रिजल्ट जो आया है। वैसा बच्चे लोग ने भी ऑनलाइन में ये दिन निकाले कोरोना के टाइम में, तो उनकी जो मेहनत है उसका आज फल दिख रहा है। लगभग कितने बच्चे हैं, कितने परसेंट आए? इसमें 54 बच्चे थे हमारे, उसमें से सब पास हो गए, 100% रिजल्ट है। ये 10th टाइम हमारा ये रिजल्ट है, कंटिन्यूस 10th। क्या राज क्या है? आखिर राज हमारा इसका है कि हमारा राज है हमारे टीचर लोग का राज है। टीचर लोग की मेहनत, जो मेहनत हम लोग इधर ट्यूशन जो एग्ज़ाम लेते थे वो कंटिन्यूस हमारा एग्ज़ाम रहता था। 3-3 महीने के बाद हम लोग 2-2 महीने में एग्ज़ाम लेते थे, और उसका रिजल्ट बच्चे लोग ने भी पढ़ाई की है और वो पढ़ाई का फल ये है। कोरोना काल में देखा जाए तो चलिए मानते हैं कि कोरोना काल के दौरान हंजित आना एक बड़ी बात है, ऐसे में एक बार फिर कॉलेज स्कूल, तो किस तरह के लोगों को संदेश देंगे कि कैसे बाकी जो स्कूल है जिनके रिजल्ट आते हैं उनको कैसे करना चाहिए? कि हमारी CBSE बोर्ड नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड तक है। हमारा इधर ऐसा है कि हमारे हर टीचर हर क्लास में मेहनत कर रहे थे, ऑनलाइन में शिक्षा दे रही थी। कोरोना तो है, ऐसे तो बीमारियाँ हर दफ़े से पहले से आ रही है, और ये कोरोना आया इसके लिए डरने का जरूरत नहीं है किसी को। आप मेहनत करेगा तो उसका फल मिलता ही है, और कोरोना अभी जाएगा भी, लेकिन कोरोना में प्रिकॉशन हर स्टूडेंट ने लेना मांगता है, वैसा पेरेंट ने लेना मांगता है। गवर्नमेंट कुछ भी बोले, गवर्नमेंट सरकार वो इधर कुछ बंद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसने प्रिकॉशन लेना मांगता है। अगर वो प्रिकॉशन लेगा तो कोरोना और कुछ उनको क्लोज करने के लिए जो अभी रेलवे का बंदी है सब बंदी करने का जरूर नहीं है। तो ये हर एक का कर्तव्य है कि कोरोना को भगाने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना मांगता है। बन रहा है स्कूल, क्या कुछ कहेंगे, क्या स्पेशलिटी क्या है? ये हमारे स्कूल की स्पेशलिटी यही कि हमारे सारे बच्चे मेहनत करते हैं, टीचर्स मेहनत करती है, और उसी का ये रिजल्ट है कि 100%। इनफैक्ट अगर बोर्ड एग्जाम होता तो मैं तो बोलती हमारे बच्चों को जो नंबर अभी मिले हैं इससे शायद और अच्छा मिलता। इस बार तो बोर्ड ने हमें हाथ बांध दिया था कि इतना ही देना है, अदरवाइज तो इनकी रिजल्ट जो थी इससे भी अच्छी होती, ये हमारा विश्वास है। सारे टीचर्स की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है। ये सलोनी राजेश अकबर। सलोनी जी, 100% रिजल्ट आया, खासकर आपके स्कूल में आप पढ़ते हैं, क्या कहेंगे प्रबंधन को, क्या कहेंगे आपके साथी? सबसे पहले धन्यवाद करने चाहूँगी मेरे स्कूल के सभी टीचर्स, माननीय घरत सर को, आरती मैम को,
सबको धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने कोविड की इसमें भी हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाए जिसके कारण हम लोग को इतने अच्छे मार्क्स आए, इसीलिए हम लोग उनको बहुत शुक्रिया। मैं तो हमेशा उनके यही रहूँगी, उनके लिए हमेशा मेरे आदर ही रहेगा मेरे मन में। माझं नाव कुंचला लाड आहे आणि मला खूप आनंद होतोय की मी या स्कूलची एक पार्ट आहे। आमचा जो रिझल्ट लागला आहे यासाठी राजीव सरांना, भरत मॅमना, आरती मॅमना आणि आशू मॅमना या सगळ्यांना थँक्यू, कारण इतके वर्षापासून 100% 10 वर्षापासून रिझल्ट लागतो आहे आणि आमची एवढी चांगली तयारी करून घेतलेली की मी 100% सांगते जर ऑफलाईन झालं असतं तर आम्ही ह्यापेक्षा अजून छान मार्क्स आणू शकलो असतो।